नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ के मोहनलालगंज में अधिवक्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान इसके बाद लखनऊ के रायबरेली हाईवे पर सड़कों पर अधिवक्ता जुट गए और लंबा जाम लगा दिया, जिसके बाद से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। अधिवक्ता ACB बता दें कि मोहनलालगंज धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी को हटाने की मांग कर रही है, वही वकील को हिरासत में लेकर पीटने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यूपी में आगरा की पिनाहट में रिश्वतखोर लेखपाल पीड़ित की बता दें कि एप्लीकेशन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद से सत्ताधारी विधायक के दम पर फरियादियों ने उनकी समस्या के निस्तारण के लिए हिला हवाली करते हुए उन्हें परेशान करा था। बता दें कि फरियादियों की शिकायत पर पिनहाट के महिलाकर्मी कमलेश ने लेखपाल से पीड़ित की समस्या को लेकर समय अनुसार निस्तारण का कारण पूछते हुए लेखपाल को मीडियाकर्मी के सवाल जवाब करते हुए लेखपाल सह मीडियाकर्मी के कैमरे के सामने भाग खड़े हुए हैं। बता दें कि मीडियाकर्मी ने लेखपाल को भागते हुए अपने कैमरे में कैद कर लिया है, वीडियो बना लिया गया है और साथ ही बता दें कि भ्रष्ट लेखपाल मीडियाकर्मी के सवाल से बचकर भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर सदर कोतवाली के सिविल लाइन मोहल्ला की रहने वाली विवाहिता के संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ निगलने से इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। बता दें कि पिता ने पति समेत ससुरालजनों पर मारपीट के बाद जहर देकर मार डालने का आरोप लगाया है, वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि जाँच में तय सामने आएंगे, साथ ही उनके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? उदय भानवस्थी। क्या हुआ था, कैसे, क्या? सुबह हम 11 बजे आए थे बेटी लेने, हम और हमारा बेटा, इन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद 4 बजे इन्होंने फोन किया कि बेटी ने जहर खा लिया है। जब हम आए तो दरवाजा बंद था, फिर दरवाजा खोल करके हम बेटे को, हम हमारा लड़का लेके यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद हमारा दामाद और ससुर यहीं आए थे उसके लड़की के, और हम लोग, क्या इससे पहले भी कुछ झगड़ा होता है? एक बार और तो थाना पुलिस हो चुकी थी और कल भी हुआ था, कल भी मारा पीटा था जी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रमदेही खेड़ा निवासी उदय भान अवस्थी ने पुलिस को सूचना दिया कि उनकी बेटी ससुराल में काफी गंभीर अवस्था में थी, जिसको उसके ससुराली जनों के साथ एलोवेल के निजी अस्पताल में एडमिट कराए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें उसके पिता के तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तराई के पीलीभीत में पहली बार एक मैजिक शो का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में जादूगर का जादू देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बता दें कि इस मैजिक शो में गुड़िया से लड़की बनाकर अखबार के टुकड़े करके वापस अखबार बना देना और साथ ही खाली बॉक्स से कई सारी लड़कियों को निकालना जैसे कई मैजिक शो दिखाए गए हैं। इसके अलावा कई छोटे खेल भी इसमें शामिल दिखाई दें। यहाँ पे और दरअसल मैजिक है, मैजिक यानी जादू, जो कि हमारे देश की कला है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, उसी को बाहर लाने की कोशिश में और 10 परिवार चल रहे हैं हमारे वजह से, 10 लोगों का रोजी रोटी चल रहा है इसी चीज़ को लेकर के। साथ में आज 10 लोगों की टीम है, 12 लोगों की, और इसी को आपके बीच में आज पीलीभीत वासियों से बहुत सहयोग और प्यार भी मिल रहा है, और ये लक्ष्मी टाकेज में लगा हुआ है। आप लोग पूरे पीलीभीत वासियों से निवेदन है, विनती है कि आप लोग आएँ, शो का आनंद लें,
शो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारा शो बिल्कुल पूरी तरीके से पारिवारिक शो है, किसी भी तरीके का कोई अनर्गल नहीं है। आपको हंसी से कॉमेडी हर चीज़ इमोशन आपको हर चीज़ इस शो के अंदर मिल जाएगा। कितने प्रकार की कलाएं आप उसमें जी? अभी तो हमारा जैसे कि मैंने बताया बड़े खेलों में 15 खेल हैं, बाकी अनगिनत छोटे खेल हैं जो कि हर खेल में बदल बदल के दिखाया जाता है। प्रयागराज के नगर पुलिस उपायुक्त ने बताया है कि शहर के सिविल लाइन और साथ ही बड़े चौराहे पर नववर्ष के दिन पुलिस प्रशासन की कड़ी चौकसी की जाएगी। नववर्ष मनाने को लेकर परमिशन जारी किया गया है, उसी के गाइडलाइन के मुताबिक नया साल मनाया जाएगा। कोई भी बाइक चालक तेज रफ्तार बाइक ना चलाए, शराब पीकर वाहन ना चलाने। साथ ही बता दें कि नववर्ष मनाने का समय रात 10 बजे तक ही तय रहेगा। चौराहे पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर पुलिस पेट्रोलिंग और साथ ही पीआरवी पुलिस द्वारा चौकसी रहेगी, जिसके लिए बता दें कि जिससे कि कोई अप्रिय घटना उस दिन ना घट सके। थर्टी फर्स्ट की इवनिंग के लिए तो काफ़ी जगहों पे यहाँ सिविल लाइन है और भी मेजर एरियाज में सेलिब्रेशंस की परमिशन ली गई है। वहाँ पर सभी को निर्देशित किया गया है, साथ में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने भी मेजर चौराहे हैं तिराहे हैं वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई है, बैरियर्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी तरह की ओवर स्पीडिंग ना हो और ड्रंक ड्राइविंग ना हो। और सभी जगह शाम के समय फुट पेट्रोलिंग की जाएगी, पीआरवी और जो मोबाइल हमारी पेट्रोलिंग है उसके द्वारा सारा एरिया कवर किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और जितने भी भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाली जगह हैं वहां पर लगातार गश्त जारी रहेगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि 31st के सेलिब्रेशन में किसी तरह की कोई घटना ना हो। कितने बजे तक होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सर, क्या है? ये अभी तक जो बलरामपुर पुलिस भी अब हाईटेक हो गई है। पुलिस अब बता दें कि ब्रीथ एयरलाइजर हो रही है और साथ ही बता दें कि शराब पीकर चलने वालों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जिले के सभी थानों में दो दो ब्रीथ एनालाइजर मशीन दी गई है, जिसको लेकर तुलसीपुर के कब्जे इंचार्ज गुरुसेन सिंह और देवीपाटन इंचार्ज अनिल दीक्षित ने अभियान चलाया है, जिसके तहत करीबन बता दें कि 20 वाहन चालक की जांच हुई है। इस अभियान में शराब पीकर शराब गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हैं कई लोग। और साथ ही बता दें कि सीओ ट्रैफिक ज्योतिषी ने बताया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। नए वर्ष को सकुशल संपन्न कराने को लेकर गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, जिसके लेकर देर रात कर विभिन्न भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे इंदिरा बल विहार, बलदेव प्लाजा, सिटी मॉल, गोलघर सहित अन्य कई जगहों पर प्लैंग मार्च के दौरान क्षेत्र अधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मियों के साथ खुद जाकर बारीकी से जांच पड़ताल की है और मौके पर उपस्थित आम जनमानस के साथ बातचीत भी की है और मौके का जायजा भी लिया है। साथ ही सभी को सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने नववर्ष मंगलमय कामना के साथ हो इसकी शुभकामनाएं दी है और साथ ही शांतिपूर्ण माहौल से नववर्ष मनाने की लोगों से अपील करते हुए नजर आए हैं। सर, आज आपने मालों का निरीक्षण किया, क्या किस तरीके का निरीक्षण रहा? ये चूँकि कल नववर्ष है, नववर्ष की पूर्व संध्या के ऊपर जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल्स हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, उन इलाकों की चेकिंग की जा रही है जिससे कि कोई अव्यवस्था ना रहे, कोई अवांछित व्यक्ति या अवांछित वस्तु ना रहे, इसको लेकर ही सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो आसपास अपना ध्यान रखें और कल के दिन कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव या रश ड्राइव इस तरीके की चीज़ें ना करें। कहाँ कहाँ निरीक्षण किया जाए? ये अभी सिटी मॉल पे, जीडीए पे और यहाँ पूरा किया, अभी ओरियन मॉल पे भी किया जाएगा। कब तक ये अभियान चलेगा सर? ये आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। थैंक यू।
हरदोई में दिसंबर के अंतिम दिन भयंकर सर्दी देखने को मिली है। अनुभव यह है कि कल भी लोगों को शीतलहर और भीषण सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहनों पर अब और ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। वहीं कोहरे से सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रोहता चौराहे पर उस वक्त हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हो गया जब अपने दरोगा पति को प्रेमिका के साथ रंगरेलिया मनाते हुए पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। दरोगा दीपक शर्मा गोरखनाथ थाने में तैनात है और वे बस्ती के अपनी पत्नी और साथी प्रेमिका दोनों से मिलने आया था। वही बता दें कि दरोगा दीपक अपने पत्नी से मिलकर घर से निकला था और कुछ ही दूरी पर उसे अपनी प्रेमिका को बुलाकर इश्क फरमा रहे थे। तभी अपने पति ने करतूत को आहट पाकर ढूंढते हुए उसने दरोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया है। और फिर बता दें कि इस दौरान आप तस्वीर में देखिए किस तरीके से दरोगा को पत्नी ने पकड़ा है और किस तरीके से दरोगा जो है अपनी प्रेमिका के साथ मिली है और जिसके बाद पत्नी ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। बता दें कि ये मामला बस्ती से सामने आया है जहाँ पर पत्नी ने पति की जमकर पिटाई भी की है। और बता दें कि ये एक दरोगा है जिन्होंने पहले अपनी पत्नी से मुलाकात की और उसके बाद अपनी प्रेमिका से ये मिलने आए जिसके बाद पत्नी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जालौन में घने कोहरे और धुंध में अनियंत्रित होकर नहर में कार गिर गई है जिसमें कार सवार तीन लोग डूब गए हैं। इसके बाद से एक व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुरा नहर का बताया जा रहा है। मोदी नगर से हापुड़ आ रही एक महिला की आपको बता दें कि हाईवे पर बदमाशों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने घटना के संदिग्ध बताकर और बता दें कि फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। महिला कार से अपने पति के साथ मायके जा रही थी। युवक ने बताया है कि इसी दौरान बदमाशों ने उसके साथ हाथापाई की और बदमाश 70,000 रुपये लूट कर वहाँ से फरार हो गए। बता दें कि बरहवास हालात में उसने परिजनों को इस मामले की सूचना की। सूचना के बाद पहुंचे परिजन महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस घटना की संदिग्ध जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि ASP मुकेश मिश्र ने बताया है कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर लूट जैसा कोई सुराग नहीं मिला है। सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामला सामने आया है। बता दें कि लोकल स्तर पर कार्रवाई न होने की वजह से पीड़ित परिवार ने आपको बता दें कि ASP को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। SP ने बताया है कि मामला संदिग्ध लग रहा है। मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। बहटा गोकुल कोतवाली क्षेत्र में एक गांव निवासी महिला ने SP को दिए गए शिकायत पत्र में कहा है कि 28 दिसंबर की रात करीब 9 बजे अपनी मां के साथ वे पैदल आंजी रेलवे स्टेशन लाइन के पास जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे काले रंग की गाड़ी आकर पास में रुकी और जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक गाड़ी में उसे बैठा लिया गया। दो लोगों ने उसके साथ जबरन गाड़ी में खींचकर उसे बैठाया। उसके बाद से चलती गाड़ी में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है जिसके बाद से पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रही है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान SP को इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। साथ ही बता दें कि न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित यहां नजर आई है। पीलीभीत में रिश्तों को शर्मसार करने की वाली घटना सामने आई है जहां पर बता दें कि एक कलियोगी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां की मामूली बात पर हत्या कर दी। वहीं बता दें कि कलियोगी पुत्र हत्या करने के बाद घर से फरार हो गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है।
बांदा में बोरवेल में फंसे बुजुर्ग किसान के लिए दूसरे दिन भी रेस्क्यू जारी है। खबर है कि किसान की मौत हो चुकी है, जिसके बाद शव को निकालने के लिए देर रात तक रेस्क्यू चलाना पड़ा है। प्रशासन ने जेसीबी के साथ ही पोकलैंड मशीन मंगवाई है। वहीं बोरवेल में साथ ही दूसरा गड्ढा बनाने का काम भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। नववर्ष को देखते हुए आज गोरखपुर सहित अन्य सभी जिलों की पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, जिसके देखते हुए देर रात पार्टी करने वाले और सड़कों पर घूमने वाले खासकर युवा पीढ़ियों को सुरक्षा और साथ ही शांतिपूर्व नववर्ष के कार्यक्रम को संपन्न कराने की अपील की जा रही है। गोरखपुर की जीआरपी पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई है। नववर्ष के कार्यक्रम को लेकर यात्रियों को सुरक्षा एवं अपने गंतव्य तक पहुँचाने में हमेशा तत्पर रहने वाली अपनी पुलिस गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर स्टेशन पर आने वाले यात्री ट्रेनों में संचालित बता दें कि ट्रेनों के सघन चेकिंग करते हुए अभियान चलाया गया है और साथ ही बता दें कि इसको लेकर वस्तुओं की भी चेकिंग की जा रही है। ट्रेन में सफर करने वाले व्यक्तियों को उनके सुरक्षा के लिए प्रति सतर्क भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से अपने गंतव्य तक सुरक्षित हुए पहुँच जाए। वहीं जीआरपी पुलिस के कार्य प्रणाली के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अगर कहीं भी ट्रेनों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो किस तरह जीआरपी पुलिस को संपर्क किया जाए और किस तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इसकी लगातार पुलिस जानकारी देते हुए नजर आई। इसको लेकर लगातार पुलिस जागरूक करते हुए नजर आई है। ताज नगरी में क्रिसमस से ही पर्यटकों का आवाजन शुरू हो जाता है। नए साल में यह संख्या और भी बढ़ जाती है। आगरा में बता दें कि कई वर्षों से चला आ रहा है कि पुलिस न्यू ईयर पर वहां पे काफ़ी लोग मौजूद हो जाते हैं। नए साल को देखते हुए पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि पर्यटकों की सुरक्षा पुख्ता किया जाए। पर्यटक ने भारत हो या विदेशी हो, इन सभी की जिम्मेदारी आगरा पुलिस की होती है। आगरा पुलिस प्रशासन ने होटल प्रबंधक को भी हिदायत दी है। वहीं बता दें कि पर्यटक पर भी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार नववर्ष को लेकर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ बता दें कि आगरा में क्रिसमस के बाद ही नववर्ष तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जिसके लेकर वहाँ के प्रशासन काफ़ी मुस्तैद नजर आई है। प्रशासन हर कदम पर नज़र बनाती हुई नज़र आई है, क्योंकि पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे वह विदेश से हो या अपने देश से हो, इसको लेकर लगातार प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है पर्यटकों के लिए। और साथ ही इस दौरान जो प्रशासन है पर्यटक से शांतिपूर्वक नववर्ष मनाने की अपील करते हुए नजर आई है। अखिलेश यादव के नगर से जाने वाले सपाई खुलेआम गुंडई पर उतारू है। आपको बता दें कि शराब के ठेले पर शराब लेने आए बीजेपी पदाधिकारियों के सामने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी, आपत्ति जताते पर शराब ठेकेदार ने अपने कर्मचारियों के साथ। चलिए फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।